हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत भी चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और हरीश रावत भी अब बूथ पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद निर्वाचन की कार्यशैली पर उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से बात की हमारे ब्यूरो हेड राव शफाताली ने। और जो मेरी सूचना है जहाँ मैंने वोट किया है वो तो अभी खाली पड़ा था, लेकिन अन्य बूथों पर ये स्थिति नहीं है। ये गर्मी है और उस गर्मी में जो है लोगों को ज़्यादा देर लाइन पर लगाए रहना पड़ेगा, तो इससे मतदाता डिस्करेज होगा। एक तरफ चुनाव आयोग मतदाताओं को इंकरेज करने के लिए संपूर्ण ताकत लगा रहा है और दूसरी तरफ से यदि पोलिंग बूथ जहाँ ये चीज़ें प्रक्रिया जो है स्वाभाविक रूप से पूर्ण होनी है और वहाँ यदि जो है मतदाता को हतोत्साहित किया जाएगा वोट डालने के लिए तो निंदा है और ये दंडनीय है, ये दंडनीय है। नहीं, मैं फेसबुक पर भी डाल चुका हूँ और मैंने संबंधित अधिकारियों से मिला है। चुनाव प्रक्रिया ऐसी होती है, एक बार आप कहोगे ये पुत्र का सवाल नहीं पार्टी का सवाल नहीं है और फिर पुत्र भी तो पार्टी का वर्कर नहीं है। लोगों की कृपा, लेकिन अब एक समय आता है जब जब आपको पीछे होना होता है, आगे होता है। अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, मैं बहुत फ्रंट से करता हूँ। पांचों में कांग्रेस जीत रहे और अप्रत्याशित परिणाम लोग बदलाव के लिए शुक्रिया बात करने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत अपना वोट डालने के लिए आए थे और दावा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें कांग्रेस जीत रही है। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शपात अली, खबरें अभी तक देहरादून।